हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 74, जहां पर हमें ये समझना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर ये सारे शब्द लिख किया जाए तो हम क्या करें। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये कि इतने ही शब्दों में काम नहीं चलने वाला, इसके बाद भी और टेबल बनाई जाएगी। यानी आज मैं आपको एक टेबल तो बना के दिखा ही रहा हूँ, साथ ही साथ दो टेबल और बनाऊंगा और वो सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा। बट फ्रेंड्स, आपको एक बात यहाँ पर समझनी है कि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना, वो क्या होनी चाहिए, पास्ट में। यानी जो ये है ना रिपोर्टिंग वर्ब, ये पास्ट में ही होनी चाहिए। यानी यहाँ पर सैड ही लिख के आना चाहिए, तभी जाके इस डायरेक्ट स्पीच के दिस को हम इनडायरेक्ट करते समय किस में बदलेंगे, दैट में। तो एक बार इसको देख लीजिए कि दिस का क्या करना होगा हमें, दैट, दीस को दोस, दस को सो में बदल देना होगा, नाउ का देन, हियर का देयर, हैंस का देंस, टुडे और दिस डे दोनों का हो जाएगा क्या, दैट डे, और टू नाइट और दिस नाइट लिख के आएगा तो इसे हमें दैट नाइट में बदल देना होगा। अब फ्रेंड्स, इसमें दूसरी टेबल देखते हैं कि उसमें कौन से शब्द आएंगे और उनको किस में बदला जाएगा। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं मैंने आपके सामने एक टेबल और बनाई है, जहां पर मैंने लिखा है कि डायरेक्ट स्पीच में टुमारो। तो कहने का मतलब यह था कि अगर डायरेक्ट स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टुमारो लिख के आएगा तो उस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट बदलते समय हमें टुमारो की जगह द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, दोनों में से किसी एक को लिखना होगा। और अगर एस्टरडे लिख किया था तो इसे हम बदल देते द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर से। और अगर लिख किया था द डे बिफोर एस्टरडे तो इसे हमें चेंज करना होगा और इसकी जगह हमें क्या लिखना होगा, टू डेज बिफोर। और अगर फ्रेंड्स लिख किया था द डे आफ्टर टुमारो तो इसको हम बदलते किसे, इन टू डेज टाइम से। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, डी ए वाई एस और उसके बाद क्या लगा दिया, एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब क्या हो जाता है, दिनों का। तो माइंड कीजिए द डे आफ्टर टुमारो लिख के आएगा तो आपको क्या लिखना होगा, इन टू डेज, ये साइन लगाना मत भूलिएगा और लास्ट में तो आपको टाइम लिखना ही होगा। और अगर फ्रेंड्स इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई आर एगो लिख के आ जाए तो उसे हमें चेंज कर देना होगा किसे, आई आर बिफोर से। और फ्रेंड्स इसी तरीके से एक टेबल और बनेगी, उसको भी देख लेते हैं, फिर इसमें एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो आपके सामने तीसरी टेबल आ चुकी है, जहां पर देखिए डायरेक्ट स्पीच में अगर लास्ट वीक लिख के आएगा यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लास्ट वीक लिख के आएगा तो इसे हमें द प्रीवियस वीक या फिर द वीक बिफोर से बदल देना है। कहने का मतलब ये था कि लास्ट वीक को बदलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगी, चाहे तो आप द प्रीवियस वीक लिख दीजिए या फिर आप लिख सकते हैं क्या, द वीक बिफोर। आपको याद रखना होगा कि जब भी यहाँ पर लास्ट लिख किया जाएगा तो उसको द प्रीवियस से आपको चेंज करना है। फिर यहाँ पर लास्ट वीक लिखा था तो यहाँ पर दोनों जगह मैंने क्या लिख दिया, वीक। सोचिए कि अगर लिख किया था क्या लास्ट मंथ, तो कुछ नहीं करना है आपको, द प्रीवियस के बाद मंथ जोड़ दीजिए और यहाँ पर द के बाद भी आपको मंथ जोड़ देना है। अगर यहाँ पर लिख के आता लास्ट ईयर तो आपको द प्रीवियस ईयर या फिर द ईयर बिफोर लिखना होगा। दूसरी बात करते हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नेक्स्ट वीक लिख के आ जाए तो आपको दिमाग में सेट करके रखना है कि नेक्स्ट का जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग। बाकी इसके बाद जो भी शब्द आएगा उसको आप कॉपी करते रहिए। तो नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर, नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ। और अगर कम लिख के आया तो कम को हमें गो में बदल देना होगा। अब फ्रेंड्स इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मैंने आपसे कहा होता ही सैड टू मी और उसके बाद उसने क्या कहा, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहा था यू कैन सिट हियर, तो सेंटेंस हमारे पास क्या है कि ही सेड टू मी यू कैन सिट हियर। अभी हमारी क्या होगी, डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी किया और सेड टू को बदला तो क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, टोल्ड। टोल्ड के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या रखा यहाँ पर, दैट। अब यू का मतलब किससे था, मी से था, तो यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, आई। और कैन को बदलेंगे तो कैन को किस में बदला जाता है, कुड में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमें अभी भी लिखनी होगी तो क्या लिखा हम लोगों ने, सिट। अभी जो हियर था इसको भी बदलना होगा और हियर का क्या हो जाता है, देयर। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, इस बात को थोड़ा सा समझिए। सेंटेंस हमारे पास क्या था, ही सेड टू मी यू कैन सिट हियर। अब इसको चेंज कर दिया हमने तो क्या बन चुका है, ही टोल्ड मी दैट
आई कुड सिट देयर, तो हियर का मैंने क्या लिख दिया, देयर। इसी तरीके से फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखिएगा कि ही सेड टू मी यू कैन कम इन। अगर फ्रेंड्स हमारे पास ऐसा सेंटेंस मिलता तो इसको बदलते तो हम क्या करते थे, कम का हमें क्या कर देना होगा, गो कर देना होगा। तो पूरा सेंटेंस तो ऐसे ही बनने वाला है, क्या लिखेंगे हम लोग, ही टोल्ड मी दैट आई कुड, यू का रिलेशन आई से था और यहां पर कम का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि आई कुड गो इन। तो आपने देखा कि अगर यहां पर कम लिख के आएगा तो उसे हमें गो कर देना है, अगर हियर लिख के आया था तो उसे हमने देयर कर दिया। और इसी तरीके से फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि अगर इसने लड़के ने मुझसे कहा, क्या कहा, उसको मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ही सेड टू मी आई मेट योर फादर स्टार्डिंग, तो उसने क्या कहा है कि आई मेट योर फादर स्टडी। आई मेट का मतलब क्या, मैं मिला तुम्हारे पिताजी से कल, यानी मैं कल तुम्हारे पिताजी से मिला, ऐसा इस लड़के ने मुझसे कहा। अब फ्रेंड्स अगर इसको हम चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखते जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। अब सेट टू को अगर हम चेंज करेंगे तो सेट टू क्या हो जाएगा हमारा, टोल्ड मी, और उसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, मी। इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए हमें क्या लगाना होगा, दैट लिखना होगा। अब इसके बाद इस आई का रिलेशन किससे बन गया, ही से, क्योंकि वो लड़का है जो मेरे पास आता है और कहता है कि आई मेट, आई का मतलब कौन, वो लड़का मिला, वो लड़के नहीं कौन, ये ही। तो यहाँ पर क्या रखना होगा मैं ही। अब ये जो सेंटेंस था ये हमारा क्या था, मेट क्या होती है, हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, यानी ये जो सेंटेंस था ये हमारा कहाँ का हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट को हम किस में डालते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो सेंटेंस क्या बनेगा देखते जाइएगा, ही टोल्ड मी दैट ही मेट योर फादर का क्या हो जाएगा, माई फादर, क्योंकि वो मिला तो मेरे पिताजी से था ना, तो क्या लिखेंगे, ही हैड मेट माई फादर। और उसके बाद इस एस्टेडो को चेंज करेंगे तो एस्टेडो की जगह हमें क्या लिखना होगा, द प्रीवियस डे, तो ही हैड मेट माई फादर द प्रीवियस डे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बनने वाला है। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या था कि ही सेड टू मी आई मेट योर फादर स्टडी, अब इसको चेंज किया हम लोगों ने तो क्या बना कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड मेट माय फादर द प्रीवियस डे। इस द प्रीवियस डे को मुझे यहां पर लिखना था, चूंकि जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया। आपको बात तो समझ में आ गई ना। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी आपको क्या करना है कि डायरेक्ट स्पीच में ऐसे सारे शब्द लेने हैं और इसको इनडायरेक्ट करते समय बदलना है। लेकिन आपको यह भी माइंड करना है कि यहां पर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में ही होनी चाहिए, और जो पुराने रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे कि किसको कहां पर बदलना था, उन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पुरानी चीजें तो बदल ही रही थी, साथ में अगर ये शब्द भी आ गए तो इनको भी हमें इनडायरेक्ट करते समय बदलना होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो अच्छा तो इसमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।